आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चुनाव, राजनीति, सियासत, जब इन सब प्रदेश से जुड़ता है तो पहले मामला अपने आप में दिलचस्प हो जाता है, और यही वजह है कि यूपी के सियासत पर इस देश के सभी राजनीतिक पंडितों की नजर रहती है। 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे ही निपटा, वैसे ही एमएलसी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो बैठी। 36 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो एमएलसी चुनाव में सपा और भाजपा का कांटे की टक्कर है, लेकिन 9 सीटों पर भाजपा का निर्विरोध प्रत्याशी होने की वजह से भाजपा पहले ही 9 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं कई ऐसे चेहरे भी हैं इस मैदान में जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जैसे माफिया बृजेश सिंह की पत्नी। वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ से अक्षर प्रताप सिंह, जिन पर कुछ दिन पहले ही मुकदमे की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था और अब वो जमानत पर बाहर है। उनका मुकाबला भाजपा से प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह के साथ में देखा जा रहा है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज हमारी यह चर्चा भी है। वहीं इसके पहले आप देख सकते हैं कि बस्ती, बिजनौर, गोरखपुर और जौनपुर, कन्नौज में मतदान जारी है। इस बीच कई बड़े चेहरे भी हैं जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। हालांकि बड़े चेहरे ही जाएंगे, पहले से जो किसी न किसी पोस्ट पे है वही जाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से एमएलसी चुनाव जो है वो संपन्न हो रहा है। बस्ती से भी सीधा तस्वीरें सामने आ रही हैं, बिजनौर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, गोरखपुर से भी आप देख सकते हैं कि पूरी जो व्यवस्था है प्रशासन की, पूरी फुल व्यवस्था के साथ चुनाव संपन्न हो रहा है। वहीं जौनपुर में भी पूरी व्यवस्था के साथ प्रशासन मुस्तैद है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए। कन्नौज से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कन्नौज में भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है। विधान परिषद का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं इस बार भी ऐतिहासिक होने वाला है। हालांकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, एक इतिहास रचा है, उसी तरह विधान परिषद चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करने जा रही है। और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है। ये इनडायरेक्ट चुनाव है जिसमें कि जनप्रतिनिधि अपने वोटरों के मन को आगे प्रदर्शित करते हैं। वोटरों का मन क्या है ये भी आप देख चुके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव भी बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे परिणाम लेकर आए। मेरा सौभाग्य है कि आज अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सांसद ने एमएलसी के चुनाव में वोट डाला। वो सांसद जनता और संगठन के आशीर्वाद से मैं बनी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनको, उनके परिवारों को बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं। पूज्य महाराज जी आए थे तो यही लग रहा है बहुमत से, क्या पूरा माहौल यही है कि बहुमत से हम लोग जैसे चुनाव जीते थे विधायक गण लोगों का, एमएलसी का भी बहुमत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलसी चुने जाएंगे, और इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। सब लोगों का पूरा एक विचार उत्तर प्रदेश की जन जन का है, पार्षद गण का है, विधायक गण का है, सांसद गण का है, सभी लोगों का है कि बनना है भारतीय जनता पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और 2600 वोटों में से 2000 से ज़्यादा वोट हम लोग पाएंगे, और बम्पर वोट से हम लोग के प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू जी चुनाव जीतेंगे, और दूसरे दल केवल जो है सिंबॉलिक लड़ रहा है, वो लड़ाई में कहीं नहीं है। बलिया में जीता, मऊ में जीता, पूर्वांचल में हमने अपनी ताकत, अपनी हैसियत दिखाया कि नहीं, हाँ हमने गठबंधन किया है तो हम रिजल्ट दिए हैं। गाजीपुर में तो हमको तो, हम तो वोट दिए हैं, अरे हम तो मदन सिंह को वोट दे के आ रहे हैं। और आज जो 36 सीटों पर चुनाव,
तो आपने सुना कि कई लोगों की तमाम बातें भी सामने आ चुकी है और आज इसी विषय पर हमारी चर्चा, और हमारे चर्चा में हमारे जो मेहमान है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं आपकी परिचय करा दूं सबसे। नीरज शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयंक यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप तिवारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी जो चर्चा का विषय है वो विधान परिषद चुनाव है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के पास आना चाहूंगी। मयंक यादव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले सपा ने 2022 में जो विधानसभा चुनाव का नतीजे था, उसके बाद विधान परिषद चुनाव में आप क्या कुछ देखते हैं, अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं? लोगों के ओपिनियन लिया जाए तो यही कहा जाता है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सत्ता का चुनाव कहा जा रहा है। लेकिन जो वोटर्स के मन में जो है, वो वोटर्स जो है, क्योंकि ये सारे वोट इस प्राधिकारी चुनाव में वही वोटर होते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं, और जनप्रतिनिधियों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको कोई ऐसी योजना उनके हाथ नहीं आएगी जिससे वो अपने गांव का, ग्राम सभा का, या अपने जिला पंचायत क्षेत्र का, या अपने जो पार्षद होते हैं वो पार्षद अपने क्षेत्र का कोई विकास कार्य कर पाए, विकास कार्य की योजनाएं उनके पास आ पाए। और ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी के समय ही संभव हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर जो भी जनप्रतिनिधि आज मतदान करने गए हैं वो समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में मतदान करेंगे। और इससे पहले जब नामांकन के समय आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जो कि लोकतंत्र की सीरियल किलर है, किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पर्चे छीन के फाड़ रही थी, जबरन उनको मतदान कर, नामांकन करने से रोका जा रहा था, पुलिस प्रशासन बकायदा वहां पर मौजूद था, पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमंचेबाज गुंडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोक रहे थे। और जिस समय ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय यूपी के अन्य सारे दल जो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे, जो तरह तरह की बातें करते थे, हम ये कद्दू में तीर मारेंगे, हम लौकी में तीर मारेंगे, हम भिंडी में तीर मारेंगे, हम जनता को उनका हक दिलाएंगे, वो लोग एमएलसी के चुनाव में जानते हैं क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलना है। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से वो सारी पार्टियां डरी हुई हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर का, भारतीय जनता पार्टी की गुंडाई का खुलेआम सामना कर रही है, खड़ों के सामना कर रही है। अभी एक कल वीडियो वायरल होती है फिनिक्स प्लासियो के पास, योगी का एक तमंचाबाज सत्ता संरक्षित गुंडा खुलेआम फायरिंग कर रहा है। तो ऐसे लोगों का मन बड़ा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आती है तो वो गुंडा, जो गुंडे होते हैं उनको पूरा संरक्षण हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मयंक, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नीरज शर्मा जी जुड़े हैं। नीरज जी, अभी आपने सुना कि इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, क्या अपना पक्ष आप इस पे रखना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी, इस बात को पूरे देश की जनता जानती है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। जब इनकी सरकार थी किस कदर गुंडागर्दी थी, लखनऊ के एसएसपी को गाड़ी के बोनट पर बैठा कर पूरे लखनऊ में घुमाया था, जो राजधानी है। ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कोई भी विपक्षी दल ये नहीं लगा सकता, भाजपा गुंडों की पार्टी है। भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर हमारे यहाँ भी कोई गुंडाई करता है उस पर तत्काल एक्शन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पार्टी का, केंद्रीय नेतृत्व का, सभी का उस पर एक्शन होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। जनता ने हमको जिताया, पहले जिताया, अब की बार जिताया, अब एमएलसी का चुनाव हो रहा है, आज भी जनता हमको पसंद कर रही है, लाइक कर रही है, और इनके प्रत्याशी जान, इनका पर्चा कोई नहीं फाड़ता है, ये जान पूछ के खुद पर्चे फाड़ते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है हमारी जमानत जब्त हो रही है, हमारे पास वोट नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए जान पूछ के ये सब आरोप लगाने के लिए, क्यों, इनकी हार तो निश्चित है ही है, अब पर्चा फाड़ दो, ठीकरा फोड़ दो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुश कर दो, पर्चा, हमारा पर्चा बीजेपी वालों ने फाड़ दिया, फाड़ते खुद आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भाई साहब, वो तो वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो सारे मीडिया चैनल्स के पास होगी, वो वीडियो तो आपके पास भी होगी, वो वीडियो देख लीजिएगा, जबरन फाड़ा गया था या भारतीय जनता पार्टी के तमंचेबाज गुंडों ने फाड़ा था। मयंक जी, आप अपना
पक्ष रखिएगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदीप तिवारी भी जुड़े हैं। प्रदीप तिवारी जी, जो विधान परिषद का चुनाव आज लगभग 4 बज गए हैं, चुनाव संपन्न हो चुका होगा, क्या कुछ अपना पक्ष आप इस पे रखेंगे और कांग्रेस पार्टी को कितना मजबूत देखते हैं विधान परिषद चुनाव में? और ये जो विधान परिषद का चुनाव है, ये सभी को मालूम है कि विधान परिषद का चुनाव कोई डायरेक्ट जनता से प्रतिनिधि जो है वो चुनके नहीं आते हैं। इसमें जो जन प्रतिनिधि हैं उन्हीं को वोट करना रहता है और उसके बाद वो प्रतिनिधि में अपना वोट कास्ट करके एमएलसी चुनते हैं, उसी के दौरान एमएलसी बनते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो क्योंकि विधायक आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संख्या में बल में ज्यादा हैं और सांसद भी जी। तो अगर इस बारे में मैं कहूं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि जिसके विधायक और सांसद हैं और उनको ही वोट कास्ट करना है, तो जाहिर सी बात है कि एमएलसी की संख्या, जब इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके ज्यादा थे एमएलसी। ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, जो सत्ता में बैठा होता है उसी के लिए ये फायदेमंद होता है एमएलसी का चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां उनको लेकर के जनता के बीच में रहती है, और आने वाले समय में जब भी जनता कोई चुनाव जिसमें जनता को वोट कास्ट करना होगा, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है हर एक उस नीति के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सही नहीं होगी। हमारी नेता लड़ेंगे और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, पिछले दिनों में अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरी है, कांग्रेस पार्टी ने उसमें हमारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। अब ये नहीं है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, समाजवादी पार्टी की तरीके से घर में बैठे रहें और फिर जब चुनाव आता है और जनता के मध्य में पहुंच जाए फिर वही पोलराइजेशन की राजनीति, थोड़े वोट तुम ले लो, थोड़े वोट हम ले लेते हैं, इतनी सीटें आप आ जाओ। भाई आपको उतरना चाहिए, कहां से कहां पहुंचा दिया पेट्रोल की कीमतें, गैस सिलेंडर कहां उतर गया, समाजवादी पार्टी घर में बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी को भी आकर सड़क पर उतरना चाहिए, मगर नहीं उतरेंगे। प्रदीप जी, महंगाई का असर क्या विधान परिषद के चुनाव में भी देखते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि जो ऑलरेडी चुने हुए हैं उनका चुनाव है, तो आप क्या ये देखते हैं कि जो महंगाई का असर है उसका विधान परिषद पे कोई असर होने वाला है? देखिए अगर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हों या सांसद हों, अगर उनका कोई जनता से सरोकार होगा, अगर वो पार्टी भक्ति में वोट करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए जो सांसद और विधायक हैं उन्होंने पार्टी भक्ति दिखाई, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी चुन करके ज्यादा आएंगे संख्या में। और अगर उन्होंने जनता के हित के लिए अपना वोट दिया, जिस तरीके से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हर एक आम आदमी के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, आपने तो एक क्रीमी लेयर बना दी उनके बारे में सोच रहे हो, अगर उन्हीं के बारे में सोच के वोट करेंगे तो कोई फायदा नहीं। और अगर आपने जनता के बारे में सोच करके सांसदों और विधायकों ने वोट दिया, तो आप देखेंगे विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें निश्चित ही कम होंगी, अगर ऐसा कुछ हुआ, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि जो सांसद और विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जनता से पहले उनके लिए पार्टी है, वो पार्टी को सर्वोपरि रखते हैं, वो जनता को सर्वोपरि नहीं रखते हैं, जिन्होंने वोट करके उनको सदन में भेजने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, नीरज जी भी इन्होंने कहा कि अगर जो तमाम जो जीते हुए पहले से प्रतिनिधि हैं वो अगर महंगाई और जनता का सोचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार है उनको चुनाव नहीं जिताएंगे विधान परिषद का, इस पे क्या कहना है आपका? को जी, सब बात अलग है इन लोगों की, और ये कुछ बोल भी नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की कोई भी पार्टी हो, कोई भी विपक्ष हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई कार्यपद्धति नहीं है। ये हार मान के अपने घरों में बैठे हुए हैं और घरों में कमरों में बंद हो गए हैं, क्योंकि जनता इनको बाहर नहीं निकलने दे रही। अब कांग्रेस पार्टी की रही बात, कांग्रेस पार्टी की स्थिति को आप देख लीजिए, अगर इतनी मेहनत करने वाली कांग्रेस पार्टी होती तो पंजाब में नहीं हारते। प्रदीप जी अपना पक्ष रखने दे, आप भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपना पक्ष रखने दे, हम आपके पास आते हैं। राजस्थान में देख लीजिए, इनकी वहाँ सरकार है, वहाँ क्या हो रहा है, करौली में करौली कांड देख लीजिए, और पंजाब से इनको भगा दिया, यहाँ इनकी सरकार थी, सब इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो नीति सिद्धांत हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जनता से मैच नहीं खाते,
इनके नीति सिद्धांत, इसीलिए कांग्रेस को बाहर रहना पड़ रहा है। क्योंकि अब ये बोलते हैं हमने इतनी मेहनत की, हम ये महंगाई पर लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देश की जनता इस बात को समझ चुकी है महंगाई क्यों बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। देश की जनता जानती है, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है और समझाने की आवश्यकता नहीं है। और रही आप लोगों की बात, आपकी बात को पर विश्वास करने वाली देश की जनता नहीं नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों ने वो कृत्य किए हैं मनमोहन सिंह सरकार में जो देश की जनता आज तक उसको भूलना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी ने वो कृत्य किए हैं जो देश की जनता आज तक भूलना नहीं चाहती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में जिताया जा रहा है, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, क्योंकि जनता आप लोगों को नकार चुकी है। मैं समझता हूँ कुछ सालों में ये राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल नेस्त अलग, विपक्षी जो भाजपा से अलग है बिल्कुल अलग हो जाएगा, रूस जैसा हो जाएगा। पुतिन को एक बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया तो बना दिया, चीन ने बना दिया, ऐसे हिंदुस्तान में होना है। हिंदुस्तान की ये विपक्षी दल नहीं करेंगे, कोई पार्टी नहीं करेगा, ये हिंदुस्तान की जनता करेगी इसका निर्णय। क्योंकि आप देख लीजिए कांग्रेस एक सीट, बहुजन समाज पार्टी जहां इसकी सरकार बनती थी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता था एक सीट, समाजवादी पार्टी कहां से कहां पहुंचा दी, क्योंकि हम लोग नहीं पहुंचा रहे। हमारे अच्छे काम, जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है, जनता हमको आगे बढ़ा रही है, और एक दिन ऐसा आने वाला है ये सब पार्टियां खत्म हो जाएंगी, एक ही पार्टी देश में, एक ही प्रधानमंत्री रहेगा। जी प्रदीप जी, अपना पक्ष रखे आप। देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे, प्रवक्ता बैठे, पता नहीं कौन से संविधान का इनको ज्ञान है, जिस संविधान के तहत सत्ता पक्ष के साथ साथ में जो विपक्ष में बैठा होता है उसको बराबरी का राइट दिया गया है। आप ये विपक्ष को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इनका हम नहीं, जनता कर रही है खत्म कर दिया, विपक्ष है कहाँ है इनका, आपका आप विधानसभा में आपके पास है क्या है, हमें बता दीजिए आप किस बात का विरोध करोगे, सदन में क्या विरोध करोगे, एक विधायक को लेकर क्या विरोध करोगे, किसानों के ऊपर अत्याचार करते हैं, कृषि कानून बिल लेकर के आ जाते हैं, गलत गलत नीतियां थोप देते हैं लोगों के ऊपर, उसका कोई विरोध ना करे, तो किसानों ने क्यों नहीं हरा दिया हमको, क्यों जिताया किसानों ने, ये चीन जैसे जो 70% आबादी है हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की, देखना चाहिए क्या क्यों वोट दिया हमको, ये चीन से प्रेरणा ले रहे हैं, सोचना चाहिए यहाँ की भारत देश की जनता को गंभीर होना चाहिए। अरे भाई संविधान की बात नहीं, जब आप कुछ है ही नहीं, आपके जनप्रति नहीं, आपका एक भी विधायक नहीं, कुछ सांसद नहीं, तो आप सदन में करो, सदन में क्या करोगे, ये षड्यंत्र के जितनी कार्य पद्धति होती है, जितना काम होता है वो सदन से चलता है, जब आपका विपक्षी नहीं है, आपके जनप्रति नहीं है, जनता आपको नकार चुकी है, तो आप क्या करोगे, बोलने से क्या होता, कुछ नहीं होता। समझेगी कि आप किस नीति पर चल रहे हैं, जिस तरीके की आप राजनीति करते हैं, पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, उसका टेन्योर बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट टाइम का टेन्योर होगा, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा आप देखिएगा इस देश की जनता आपका वो हाल करेगी कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आपने मतलब क्या कह रहे हैं आप, कि आप चीन से सीख रहे हैं, आप चीन जैसा शासक यहाँ पैदा कर देना चाहते हैं जो किसी की सुनेगा नहीं, कैसा क्या उसको जनता से मतलब नहीं होगा, आप ये सीधी सीधी क्या बातें कर रहे हैं आप चैनल पे बैठ करके, कि आपको चीन से प्रेरणा मिल गई, आप एक तरफा बस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बना दिए गए वही बने रहेंगे इस देश में, और इस हम नहीं बना रहे, जनता बना रही है भाई, हम कहाँ बना रहे, हमारे हाथ में थोड़ी है, विपक्ष को राइट, देश की जनता बना रही है, जनता से पूछिए आप गलत करेंगे, आप जब जब गलत करेंगे विपक्ष उसकी आवाज उठाएगा, विपक्ष हर एक नीति के खिलाफ जो किसान विरोधी हो, महिला विरोधी हो, छात्र विरोधी होगी, प्रदीप जी खड़ा होगा। प्रदीप जी बिल्कुल आपके जो मुद्दे हैं वो सही है, विपक्ष के रूप में एक स्ट्रॉन्ग तरीके से उतरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ था तो 4 राज्यों की जनता ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसकी तो इज्जत कर ले। मयंक हम आपके पास आना चाहेंगे, मैंने वो बोला ना कि देखिए जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है पोलराइजेशन की, और उसका लेकिन मैंडेट तो जनता ने दिया है प्रदीप जी, जो मैंडेट दिया है वो जनता ने दिया है 4 राज्यों का, राजनीति करते हैं तो समय सीमा समाप्त हो जाती है आपके आने वाले समय में। जी बिल्कुल मयंक जी, अगर बात किया जाए विपक्ष की, तो अगर सदन में की बात किया जाए तो कांग्रेस अभी जो इन्होंने कहा नीरज शर्मा जी ने कि एक विधायक के साथ अब क्या पक्ष रखेंगे, वही जो समाजवादी पार्टी वो कितनी मजबूत नजर आएगी इस बार सदन में, इनको करेक्ट कर दीजिए। जी मैं जी नीरज जी को पहली चीज तो ये जान लेनी चाहिए, एक समय जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में अटल जी किया करते थे तो इनके 2 ही सांसद हुआ करते थे, आज वही स्थिति जो ये लोग एक एक चिल्ला रहे
कांग्रेस के दो विधायक हैं, ठीक है, और विधायक एक हो या दो हो फर्क नहीं पड़ता है, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी का एक ही विधायक है। मैं इससे बाद में आऊंगा, पहले मैं नीरज जी की बात का जवाब दे दूं, जो वो कह रहे थे कि अकेली समाज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में बचेगी, प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी ही बचेंगे। भाई साहब यही फितूर जो है श्रीलंका की जनता के दिमाग में था, उनको लगता था राजपक्षे सब कुछ है, एवरीथिंग राजपक्षे थे, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में अपने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। वो सनकी व्यक्ति है, वही एक सनकी व्यक्ति हिंदुस्तान में भी है जो भारत को झूठ मूठ का आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उन लोगों का कर्ज 95% हमारा 83% है जीडीपी का, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 2 या 3 साल हम लोग भी श्रीलंका हो जाएंगे। श्रीलंका की जैसे लंका लग गई है, हम लोगों में भी कुछ यही स्थिति होगी, क्योंकि जो नेतृत्व जो हमारा कर रहा है पूरे देश में, वो व्यक्ति सनकी टाइप का है, और सनकी कभी एक अच्छा नेता एक अच्छा नेतृत्व तो करता नहीं हो सकता है। नहीं, आपको क्या सनकी लग रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी बता दीजिए आप, नहीं क्या सनकी लग रहे हैं, क्या ऐसा कौन सा काम कर दिया सनक वाला, नहीं गुंडों को मार रहे हैं, उनके मकानों को तोड़ रहे हैं, जो गलत किया है वो काम कर रहे हैं, क्या गलत कर रही सरकार, आप सनकी कैसे बोल सकते हो? दुनिया पहले बात सुन लीजिए, लखनऊ में कल एक मकान गिराने गया था नगर निगम, वहां पर लखनऊ उत्तर के विधायक स्वयं पहुंच गए, और वहां भी जो नगर निगम की टीम गई थी वो उल्टे पांव वापस चली आई, क्योंकि वो जो था वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, उसका भी मकान गलत बना हुआ था, नक्शा नहीं पास था, लेकिन उसका मकान नहीं टूटा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का तमंचेबाज था, इसलिए उसका मकान नहीं टूटा। आपके पास प्रूफ हो तो दो ना उनको, चैनल को दो, आप गलत कह रहे हैं, कोई गुंडा बदमाश नहीं बचेगा ये सब, और अगर गलत करेंगे तो मकान भी टूटेंगे, सब कुछ टूटेगा। अरे तो भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता का मकान क्यों नहीं टूटा जो तमंचे बाप था, जिसके घर से कल पुलिस वापस चली आई, ऐसी कई घटनाओं की टीम वापस चली आई जी, मयंक जी ऐसी कई घटनाएं सामने आई थी जब कुछ गरीबों के घर पे भी बुलडोजर चला था, जिसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनका सख्त निर्देश आया है, दिशा निर्देश आया है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी पे नहीं बुलडोजर चलेगा, जो गुंडे माफिया है। भारतीय जनता पार्टी का नेता था तो वो गरीब हो गया क्या जी? हमने उनकी बात नहीं करी, आप अपना बिल्कुल पक्ष रखे, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए रखे, हमने दिशा, हमने आपको बस निर्देश बताया, जो हमारे मुख्यमंत्री का निर्देश है हमने वो बताया आपको, जो जो आप बता रही ये जानकारी मुझे है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था, अपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी गरीब या झोपड़ी वाला हो उसका मकान दुकान न तोड़ा जाए, और जो भी अपराधी हो वो न छूटे। अरे तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था उसके ऊपर भी एलिगेंस है, उसका मकान का नक्शा नहीं पास है, वो नहीं तोड़ा गया, जबकि आपके पास कई ऐसी जानकारियां होंगी कि गरीबों के ठेले पलटे गए, और अभी हम आपको आज से कल तक फिर जानकारी दे रहे हैं कितने लोगों के घर ऐसे गिराए जा रहे हैं जो विपक्ष के हैं या आम जनता के, भारतीय जनता पार्टी के तमंचे बाजों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है, ये पुराना सत्य है। एक चीज और मैं नाम लेना चाहूंगा, बुलंदशहर का, आजकल ये बुलंदशहर जिला बड़ी चर्चा में है, मतलब ऐसे ऐसे नए नए तरह के वहां पर अपराध हो रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी योगी 2.0 आया है, मतलब वो अपराध हो रहे हैं कि उन पर एक फिल्म बनाई जा सकती है, तो बना लो फिल्म, क्या दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी का कोई तमंचेबाज नहीं बोलेगा, नहीं आप लोग बना लो, नहीं फिल्म बना लो, जो सच्ची फिल्म है, जो सच्ची फिल्म है कश्मीर फाइल्स, उसका तो विरोध कर रही है आपकी पार्टी, कांग्रेस भी कर रही है, जो सच्ची फिल्म है जिनके साथ अत्याचार हुआ है इस पर भी एक फिल्म बना लो, क्या दिक्कत है? अच्छा उसमें क्या दिखाया गया भैया ये बताइए जरा, हमने तो फिल्म देखी नहीं है। नहीं आपने सब देखा है, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना, उन्होंने जो विरोध किया है, जानकारी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूछना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विरोध किया है, उनसे पूछना, मेरे अध्यक्ष जी ने विरोध किया है, आपको प्रदीप जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मयंक जी
भी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स बनी है उसी तरह लखीमपुर फाइल्स भी बनाई जाए, उन्होंने ये कहा और था। ये भी कहा था कि जो फिल्म का मुनाफा आया है उससे कश्मीरी पंडितों को वहां पर वापस बसाया जाए, ये भी कहा था। ये तंज है, ये तंज कैसा है? क्या कहा था? ये तो उन्होंने तंज मारा है भाई। तंज मारा है, अब आपको तंज लग रहा है क्योंकि अगर हाँ। पैसा अगर वहाँ के लोगों को भाई उसने जिसने फिल्म बनाई है भाई वो अपना पैसा बुलाबा तो कमाएगा ही। उसने हिम्मत तो दिखाई ऐसी फिल्म बनाने की, उसने हिम्मत तो दिखाई नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसको बेचारे को अब तक मार दिया जाता आतंकवादियों के द्वारा। अच्छा, वो जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिंदा है नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अब तो ऊपर पहुंच गया होता। प्रदीप तिवारी जी क्या कहेंगे आप इस पे? अगर कांग्रेस की सरकार होती, अभी नीरज एक मैंग जी हम आपके पास आएंगे। प्रदीप जी अभी कहा गया कि अगर कश्मीर फाइल जैसी जो पिक्चर है वो कांग्रेस सरकार में बनी होती तो अब तक जो निदेशक है उनको मार दिया गया होता, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल शांति से मैं दो मिनट एक बात कहना चाहता हूँ। भारत भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार होती नहीं है। याद करिए तो कश्मीर फाइल्स उन्होंने पिक्चर बनाई है, अर्ध सत्य दिखाया है। जिस समय कश्मीर फाइल्स में जो घटनाएं दिखाई गई वो घटनाएं घट रही है भाई साहब, भूल जाते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, सरकार किसकी थी, किसके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी और जो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे वो किस पार्टी के नेता बने और किस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, भूल जाते हैं ये। तो जो ये तो पिक्चर की बात कर रहे हैं, जब असलियत में वहां पे हकीकत में वहां पे लाखों लोगों को जब मारा गया तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी। तो ये बात क्या करते हैं, इनको शर्मानी चाहिए, तारीफ करते हैं। सरकार कांग्रेस की थी, मानवर कहां भूल रहे हैं आप, दोनों जगह सहयोगी बने, मलाई खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि जिस समय ये घटनाएं घट रही थी आप देखो आपकी मनमोहन सिंह सरकार में आतंकवादी दिल्ली को नहीं छोड़ते थे, देश के हर कोने में आतंकवाद फैलाते थे। कश्मीर की तो बात छोड़िए, आज आतंकवादी कहां है देखने को कहीं मिल रहे हैं ढूंढे से? देश को देश की वो स्थिति तुम लोगों ने कर दी, कांग्रेस पार्टी ने वो स्थिति कर दी। पाकिस्तान पाकिस्तान सुनो, पाकिस्तान अब बोल रहा है आपके आपके सरकार में पाकिस्तान दिल्ली तक चढ़ जाता था, दिल्ली तक। और पाकिस्तान आज नेत्रामूद होकर चुपचाप बैठा है, घर में रो रहा है। ये नेतृत्व की बात होती है, प्रधानमंत्री की बात होती है। वही देश जब था वही देश आज भी है, वही सेना तब थी वही सेना आज भी है, पर आपके पास नेतृत्व नहीं था क्योंकि आप पाकिस्तान से डरते थे। आप लोग क्यों आपसे कांग्रेस पार्टी की वहां पे आपको भय नहीं आता है कि पाकिस्तान में चले गए वहां इतने आतंकवादी हैं? पाकिस्तान बोलने की औकात नहीं, भूखा मर रहा है क्या पाकिस्तान? मोदी जी ने वो काम कर दिया है पाकिस्तान। मयंक अपने पक्ष रखे, जिन्होंने जिन्होंने बिरयानी खाई हो वो इतना ज्यादा ना बोले, हजम नहीं होगी बिरयानी। अरे बिरयानी खाई हमने पाकिस्तान को, नेत्रामूद तो कर दिया। आज किसी आतंकवादी की औकात नहीं, पाकिस्तान अलग धड़क पड़ा है कोने में। इतना ज्यादा कांग्रेस सरकार तो उसको मेहमान बनाती थी, टिकी हुई है। तो मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, आप लोग अभी मेहनत करिए। मुझे लगता है मैंने अभी आपको मेरी बात को बहुत आपको गलत लग गई मेरी बात। मैं आप मेहनत करिए, अभी जनता को समझाइए, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को समझाने की आवश्यकता नहीं, जनता को समझाइए। आपको कैसे छोड़ दिया, आप अकेले कैसे पड़ गए, ये जनता से पूछिए। आप जनता से पूछिए आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आपको जनता जवाब दे देगी। जी बिल्कुल, हम इस मुद्दे पे वापस आएंगे। मयंक जी हम जिस मुद्दे पे आज चर्चा करने बैठे पहले हम उस पे बात कर ले, जो 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत गई है उस पे क्या कुछ कहना है आप सभी का? देखिए वो तो फिलहाल इनको बधाई, उस सीट के लिए इनको बधाई, और कांग्रेस बसपा इन सब लोगों को तो खैर कुछ कहना ही नहीं, ये लोग किसी लायक बचे ही नहीं है क्योंकि इन लोगों लड़ना इन लोग को आता ही नहीं है। और रही बात जो 9 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जबरन सत्ता के बल पर सारी वीडियो, अरे भाई से हमारी क्या गलती है, आप लोग प्रत्याशी लड़ी नहीं चला तो भाई निर्विरोध तो होगा ही होगा भाई। बैंक जी सुनने की क्षमता रखिए,
सुन लीजिए पहले, वीडियोज आपके पास भी होंगी, आपको पता होगा उन 9 जगहों पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमंचेबाज गुंडों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोक दिया, जबकि पुलिस भी वहां पर खड़ी हुई थी। इलेक्शन कमीशन चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई FIR नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन भी हमारी बात मान रहा है। 9 MLC लेकर आप खुश हो लीजिए। 9 नहीं, हम सभी लेंगे। अब ये सुनील सिंह साजन भी एक मजबूत प्रत्याशी, मयंक सुनील सिंह साजन भी मजबूत प्रत्याशी है, सुनील सिंह साजन भी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। तो अगर आप अभी ये कहते हैं कि इसके पहले ही रामचंद्र प्रधान को जीत अब जीत मान लिया आपने, खुद पहले मान लिया मयंक कौन? नहीं नहीं, मैं 9 सीटों की बात जो आपने कही मैं उनकी कह रहा हूँ। सुनील सिंह साजन जी तो चुनाव जीत रहे हैं भाई, 4018 जो वोट लखनऊ और उन्नाव में है उसमें ज्यादातर लोग सुनील सिंह साजन जी के साथ हैं। जो 9 सीटें जबरन भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया, मैं उनकी बधाई उनको दे रहा हूँ। ये बाकी सीटें नहीं जीत रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी पर की पर्चा नहीं उन्हें भरने दिया गया, क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, पर्चा नहीं बनने दे। मैं आपको पहले बताया तो था, लोकतंत्र में ये नहीं होता है, चुनाव आयोग बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता तो चुनावी नहीं होने देते, सारी सीट निर्विरोध करा लेते, जबरदस्ती करा लेते अगर हमारी चलती तो। नहीं, हम जनता के साथ हैं, जनता जिसको जनप्रतिनिधि जिसको जिता रहे हैं। पर हाँ, मैं आपको इतना बता दूं, एक आध सीट की मैं कह नहीं सकता, लगभग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कमल खिलने वाला है और आप देख लेना चुनाव। हम सब क्योंकि जनता हमारे जनप्रतिनिधि लोग और हमारे साथ हैं, और इनके विपक्षी पार्टियों के भी लोग हमको वोट कर रहे हैं, हमारी नीतियों को देखकर। हमारी नीतियों को देखकर सारी वोट डालने नहीं गए, क्या वजह देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से सरकार बनी है तब से उनका एक ही टारगेट है कि खैर अपना संसारी दूसरे परिवार दूसरे दल से है, उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो सुहैब अंसारी है मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके परिवार को लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन के दम पर लगातार उनको परेशान कर रही है। और टारगेट भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ वही है, वही जनप्रतिनिधि है, अभी सहजिल इस्लाम जी का जबरन पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई एक्शन अगर गलती से बुलडोजर पहुंच भी जाता है तो वहां पर चरण वंदन करके वापस चलाता है। अरे भाई, आपको जुर्माना चाहिए था ना, उन्होंने अगर गलत किया था तो आप जुर्माना लेते उसका, सरकार का कोष बढ़ता, लेकिन इनको सरकार का कोष बढ़ाने से मतलब नहीं है, इनको अपनी दुश्मनी निकालने से मतलब है, ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी और मेन विपक्षी पार्टी एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रही है और कांग्रेस पार्टी इस बीच में कहां खड़ी होती है? कांग्रेस मजा ले रही है, भारतीय जनता पार्टी का पिछला 5 वर्षों मयंक जी, बहुत मेहनत किया है कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी वाड्रा की जो नीतियां थी उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? प्रदीप जी, यहाँ पर मेहनत करी उसका परिणाम आगे आने वाले समय में आपको सुखद जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर हम तत्काल सोच लें कि किसी चीज का परिणाम आज हमने कुछ किया है और पेड़ लगता है तो फल आने में थोड़ा समय जरूर लगता है। तरक्की तो किया है, बसपा को मेहनत कर रही थी, उस मेहनत का परिणाम आपको आगामी समय में जरूर आएगा। नहीं प्रदीप जी, हम आपको बधाई देते हैं, आपने सत्ताधारी पार्टी को पीछे ढकेल दिया। उनके चेहरे पे भी वही अहंकार का भाव नजर आता है, आप उस समय भूल जाते हैं, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया था कि वो अटल जी का भी समय था, एक समय था आपका भी, आपके भी सदन में कितने सांसद होते थे लोकसभा में, तो आप नहीं, हमारी तो नई पार्टी थी उस टाइम। प्रदीप जी, इस बात को सोचिए, भारतीय जनता पार्टी उस टाइम न्यू ब्रांड पार्टी थी, न्यू ब्रांड पार्टी एक साथ सत्ता में नहीं पहुंचती है, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, 70-80 साल राज किया है आप लोगों ने, आपकी स्थिति वो हो गई है भाई, हम तो नई पार्टी थी, आराम से आगे बढ़े हम। विपक्ष कहता है
लेकिन अगर आप लोग मौका दिया है उसका स्वागत करिए और उसमें अहंकार में मत आइए। बैंक जी आप अपना पक्ष रखिएगा, बैंक जी हम आपके पास आएंगे। हमको वोट दे दिया है, इस बार हम फिर महंगाई बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ाते रहेंगे, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रदीप जी समाजवादी पार्टी का, प्रदीप जी समाजवादी पार्टी का कहना है कि मेन जो सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी के बीच में कांग्रेस मजा ले रही है, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? कांग्रेस मजा नहीं ले रही है। आप अब देखिए आगामी चुनाव जो है वो अभी नगर निगम का है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और हमारे मित्र तो समाजवादी पार्टी के जो बैठे उनको भी मालूम है कि देश में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें विपक्ष के रूप में कौन पार्टी है कौन। हाँ, उत्तर प्रदेश में निश्चित ही समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी सीटें आई हैं। ये जनता ने उनको मौका दिया है कि आप बढ़ चढ़ के विरोध करिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम फिर एक चीज अभी कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बाहर सड़कों पे होना चाहिए। क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे हैं भाई आप लोग? क्या ऐसी डीलिंग हो गई है आपके बीच में कि आप डेली पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, डेली ये गैस सिलेंडर के रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं भाई? ये समाजवादी पार्टी के मित्र है हमारे, बताना चाहिए क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़कों पे? कांग्रेस पार्टी तो अपना जनता के लिए जो फर्ज है वो निभा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो गिरफ्तारी भी दी है और सड़कों पे महंगाई के विरुद्ध में प्रदर्शन किया है और आगे भी जो भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां होंगी उनका कांग्रेस पार्टी डटकर मुकाबला करेगी और सड़क से विधानसभा से लेकर के सड़क तक उसका विरोध हम करेंगे। अरे नहीं प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी हमारा विरोध इसलिए नहीं कर रही है कि अर्पणा जी हमारे साथ है, उसे पाल जी भी आने वाले हैं, इसलिए वो हमारी दोस्ती हो गई है। मयंक जी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, ऐसा नीरज जी का कहना है। जो सूत्र होते हैं सूत्र हमेशा गलत निकलते हैं और जो अभी कांग्रेस के साथी बता रहे ये लोग सड़कों पर आके हल्ला मचा रहे हैं, भाई हल्ला मचाने से क्या होगा? हल्ला नहीं मचा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दाम बढ़ते जा रहे हैं, दाम कम हुए दाम कम कर रहे हैं, जनता के लिए दाम बढ़ते ही जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के और नींबू तक के दाम बढ़ गए भाई साहब। नींबू का काम नहीं करती, हल्ला मचाने का काम नहीं करती समाजवादी पार्टी की तरीके से। कांग्रेस पार्टी जनता के सामने सही मुद्दे रखे होते तो वोट प्रतिशत बढ़ता, सीटें बढ़ती, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना आपको, समाजवादी पार्टी से नहीं, विपक्ष में है हम लोग, आप भी विपक्ष में है, आपको आरोप लगाने भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन वहां तो आपकी सभी गठी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी गठी है आपकी भाई। अरे चुनाव कहाँ लड़ रहे भैया, एमएलसी का चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं आप लोग? पार्टियां जनता के लिए खड़ी है। अरे भैया एमएलसी का चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं आप लोग? पार्टी के लिए वो जो जनता के मुद्दे होंगे उनको लेकर के प्रश्न जरूर करेगी कांग्रेस पार्टी। भैया ये हेलो जी मयंक जी, एमएलसी का चुनाव कांग्रेस के साथी से कहना चाहते हैं आप लोग, एमएलसी का चुनाव कहा नहीं लड़े भैया है? ये तो जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। आप लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है जो 1-2% वोट मिल गया है अगली बार ये भी चला जाना आपके हाथ से, ये आप भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर दोगे। ठीक, अम्बेडकर समाजवादी पार्टी जिस दिन प्रदर्शन करने उतरेगी पूरी नीतियां बनाकर उतरेगी कि हाँ वाकई जनता को कैसे राहत मिले, एक पूरा उसका जो समाजवादी पार्टी के लोग जब प्रदर्शन करने उतरते हैं तो दो चार कांग्रेसियों के दल दो चार मोहल्ले के लड़के नहीं आते भाई, जब उतरते हैं तो सरकार पर दबाव बनता है, सरकार को वो काम करने पड़ते हैं जो देशहित में होते हैं। जो ये लोग अभी गलत काम कर रहे हैं इसके लिए हम लोग एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, फिलहाल चुनाव चल रहा है, चुनाव बाद हम लोग रूपरेखा लगभग तैयार है, जब उतरेंगे तो आपकी पार्टी गायब हो जाएगी। कौन ज्ञात तथा कथित राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश या बिल्कुल आप दोनों के पास लौटूंगी, लौटूंगी नीरज जी अभी। भारतीय जनता पार्टी के साथी जो है ये बहुत खुश हो रहे होंगे, कह रहे हैं कि अपर्णा जिनके यहाँ आ गई है, शिवपाल जिनके यहाँ आ रहे हैं और नेताजी भी है, नेताजी जीत का आशीर्वाद देते हैं भाई। अरे तो भाई ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में
अरे आशीर्वाद देखो कौरव पांडव, अरे सुनो मयंक जी, कौरव पांडव का युद्ध हुआ सारे कौरवों के साथ थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य, तो युधिष्ठिर जी आशीर्वाद लेने गए, आप लोगों ने आशीर्वाद लिया नहीं, तो हम आशीर्वाद ने युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दे दिया, विजय का ऐसी हमको दे दिया, आप लोग आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। नीरज जी इतना उत्साहित नहीं होना है, नीरज जी बिल्कुल, मयंक जी एक बार हम मयंक जी हम बीबीसी चुनाव पर आज चर्चा कर, जी मयंक जी हम बीबीसी चुनाव पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर एक साथ है, मयंक जी हम बीबीसी चुनाव पर चर्चा करने के लिए आज एक साथ है। देखिए चार बज चुके हैं, चुनाव भी संपन्न हो चुका है, सुबह 8 से 4 बजे तक चुनाव होना था। एक बार फिर से मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अब्बास अंसारी एक बड़ा मुद्दा थे 2022 में, वो क्यों नहीं पहुंचे? नीरज जी आप क्या वजह देखते हैं, अब्बास अंसारी के वोट नहीं डालने का क्या वजह आप देखते हैं? देखो उनकी अपनी मर्जी है, उसमें हम क्या बोले बताइए, अब नहीं कोई वोट अगर डाला, अब जो जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाला अपना मथुरा में, तो उसमें हम क्या कर सकते, उनकी खुद की परेशानी थी, इसमें पार्टी का क्या मतलब होता है, ये तो अपनी स्वेच्छा है, वोट क्यों नहीं डाला उन्होंने, ये तो आप उनसे पूछिए आप। मयंक जी क्या कहेंगे आप? देखिए अब्बास अंसारी जी हमारे गठबंधन के साथी अवश्य है, अभी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी हम लोगों के पास नहीं आई है, ना हमारे दल के पास आई है, अगर कोई जानकारी आती हो तो हम बताएंगे, क्योंकि एक चीज की जो जानकारी लगभग मीडिया जगत को भी है कि उनके पूरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन से लगातार परेशान कर रही है, हो सकता है किसी दबाव के कारण या उनको आरोप लगा दिया गया हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सभी जानते हैं, तो अभी अगर कोई ठोस जानकारी मेरे पास नहीं है, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ जैसे जानकारी आएगी हम आप तक वो जानकारी प्रेषित करेंगे। और रही बात मैं एक सवाल मेरा हमारे कांग्रेस के साथी से है, तो हल्ला अगर भैया हो गया हो तो आप ये जवाब दे दीजिए कि एमएलसी का चुनाव क्यों नहीं लड़े, कौन सा डर है, क्या भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेके बैठ गए आप लोग, बस इतना सवाल है। प्रदीप जी आप जवाब दें इनके सवालों का। प्रत्याशी नहीं उतारा था तो क्या अखिलेश यादव जी ने हमको पैसा दे दिया था? अखिलेश यादव जी ने पैसा भिजवाया था क्या अगर हम प्रत्याशी नहीं उतारते उनके खिलाफ में? अखिलेश यादव जी ने कितना पैसा दिया था? आप अपने नेता से पूछिएगा कि अखिलेश यादव जी ने कितना कांग्रेस पार्टी को पैसा भिजवाया था। कहाँ खेल रहे भैया, कहाँ खेल रहे हैं आप? अरे पिच पे आइए, बाहर क्यों खेल रहे हैं? पिच पे वही मैं बोल रहा हूँ, पूछिएगा अपने नेता से पूछिएगा, वो इसका जवाब बेहतर देंगे। अपने नेता से पूछिएगा तो वो इसका जवाब बेहतर देंगे आपको कि कितना पैसा उन्होंने भिजवाया भाई। कौन सा कौन सा काहे का पैसा लिया भैया, बताइए हो तो। अरे तो ये यही आप बता रहे ना कि अगर हम किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हम पैसा ले लिए हैं क्या? तो पूछिएगा ना कि अखिलेश यादव जी से कि कांग्रेस एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी में विपक्षी पार्टी है, एक आखिरी सवाल, अभी जैसा कांग्रेस ने आप पे इल्जाम लगाया कि आप नहीं उतर रहे फील्ड में, आप अभी जो मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, अपना पक्ष रख रही है, अभी समाजवादी पार्टी नहीं उतरी है, तो आपने कहा नीतियों के साथ उतरेंगे, क्या कुछ नीतियां है मयंक यादव समाजवादी पार्टी की? देखिए हम उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष है, अभी उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव चल रहा है, देखिए ये एमएलसी 6 साल के लिए चुने जाते हैं, अगर गलत हाथों में कहीं सीट चली जाती है तो लोगों को 6 साल रोना पड़ता है, 5 साल तो लोग वैसे भी रोएंगे। ठीक, दूसरी बात रही बात जो विरोध करने की, क्योंकि 1 तारीख के बाद से ये बेरोजगारी जो महंगाई है वो बेलगाम हुई है, देखिए फर्जी में आके हो अल्लाह मजा के फोटो खिंचवाने से कोई फायदा नहीं, हम मुख्य विपक्ष है, हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है जितनी की सत्ता में बैठी पार्टी की, तो हम लोग उन नीतियों के साथ आएंगे। देखिए हम लोग कोई फर्जी की बात नहीं करते हैं कि हम लोग अगर कुछ करते हैं तो उसका एक बाकायदा रूपरेखा बना के उतरते हैं कि ये महंगाई कैसे कम होगी, हम प्रदर्शन करेंगे, सरकार को बताएंगे कि आप ये करिए, क्योंकि सरकार किसी लायक नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है, उनके पास कोई अच्छे विशेषज्ञ नहीं है जो उनको बता पावे कि भैया अगर ऐसे करिए तो महंगाई कम होगी, ये हमें लोगों को बताना पड़ेगा और जनता को भी बताना पड़ेगा कि अरे भैया सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए नीरज जी प्लीज सुन लीजिए, तो जब उतरेंगे तो जनता को भी ये बताएंगे, क्योंकि हम 4 लोग ये करते हैं, समाजवादी पार्टी का एक नेता खड़ा होता है तो उसके प्रदर्शन करने के साथ उसकी भीड़ लगातार बढ़ती चली जाती है। मयंक जी ये भीड़ तो 2022 विधानसभा चुनाव की जब प्रचार चल रहा था तब भी देखा गया था,
तब भी देखा गया था ना मयंक जी। मैडम प्रदर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार पर दबाव किस तरह से बने, कैसा हमारा प्रदर्शन हो, लाठी खाना ही प्रदर्शन, लाठी खाने में तो ये लोग हमको पा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो हम लोगों को लाठियां भरवाएंगे, आज भी कभी कभी जब ठीक ठाक हवा चल जाती है तो हड्डियों में दर्द होता है, बहुत लाठियां खाई है, ठीक है, लेकिन दबाव कैसे बने सरकार पर, सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम करे, हम ऐसा कौन सा दबाव बनाए, इसके लिए रूपरेखा होनी चाहिए। अब विपक्ष के अन्य दल जो है कांग्रेस और ये दो दो आदमी है, लेकिन बहुत हैं आप लोग, आप अपनी ताकत नहीं जान रहे, लेकिन हम जान रहे हैं आपकी ताकत, आप लोग कमजोर पड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप दो बहुत है, कमजोर पड़ चुके हैं, तब भी लड़ेंगे, अरे सुन लीजिए, आप आएंगे तब भी हम कौन लड़ेंगे, नतमस्तक होने कौन गया था, नतमस्तक होने कौन गया था, आप बताइए ना, कहाँ गए थे भैया नतमस्तक होने के, जिनका आशीर्वाद लेके एक बात अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे, वो किसकी शरण में नतमस्तक होने के लिए चले गए थे भाई, आप बताए ना, आरएसएस के आरएसएस प्रमुख, आप बताते हैं कांग्रेस पार्टी नतमस्तक हो गई, आप 5 साल लिवर फ्रंट की आपकी फाइल क्यों नहीं खुली, उसके चुनाव के पूर्व योगी जी बहुत कह रहे थे कि लिवर फ्रंट का इतना बड़ा घोटाला हो गया, क्यों नहीं है भाई, कभी हुई नहीं, बताना चाहिए ना जी, बिल्कुल हम सभी ने आपका पक्ष सुना, मैं आज जो एमएलसी चुनाव को लेकर फाइनल कमेंट भारतीय जनता पार्टी से नीरज शर्मा जी से चाहूंगी, नीरज शर्मा जी उसके साथ साथ एक सवाल और, अभी मयंक यादव जी ने कहा कि 5 साल जनता रोएगी और एमएलसी चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती तो 6 साल और, तो इस पर आपका एक फाइनल कॉमेंट चाहूंगी मैं, कोई इनके कहने से कुछ नहीं होता है, जनता को पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और सरकार उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए बनी है सरकार और आम जनता को योजनाएं दे रही है, आम जनता के, इनका ये कहना है कि अगर चुने जाते हैं, अगर जो सरकार के एमएलसी सरकार जो सत्ताधारी पार्टी है अगर उसके सारे एमएलसी चुने जाते हैं तो फिर से जनता 6 साल रोएगी, सुन तो लो, मैं उसी बात को तो बोल रहा हूँ, मैं एमएलसी चुनाव में हम जीत रहे हैं और हमें जनता की और जनप्रतिनिधि लोग जिता रहे हैं, और अगर हम गलत करते तो हमको कोई नहीं जिताता, कोई जिता, ये रोने की बात कर रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं है, मैं वही बात तो मैं बोल रहा था आपसे अभी, मैं हमने जो काम किए हैं और जो कर रहे हैं और जो करेंगे, इन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है इसलिए हमको जिता रहे हैं, वो एमएलसी चुनाव में भी हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, रोने की कोई रोने का तो कोई मतलब नहीं, अगर हम रोनाने वाले होते तो हमको वोट ही नहीं करते, हम जीतते ही नहीं जी, बिल्कुल मैं क्या मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, मैं विपक्षी पार्टी से, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की है विधानसभा में, विधान परिषद में अगर प्रतिनिधि जो चुनते हैं, जो भी एमएलसी चुन के जाते हैं उस पे क्या कुछ कहना रहेगा आपका, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र पर भरोसा करने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है, ये अखिलेश यादव जी ने भी कहा और ये सभी लोग जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, एमएलसी का चुनाव चल रहा, अभी 3 सीटों पर 2 दिन बाद चुनाव होना है, ये बता दें इन्होंने ऐसी कौन सी योजना लागू कर दी है कि पेट्रोल डीजल के दाम रोके नहीं रुक रहे और एक नींबू का दाम रोके नहीं रुक रहा है, भिंडी का दाम रोके नहीं रुक रहा भाई, हम इस बारे में जरूर बात करेंगे लेकिन आज का मुद्दा हमारा एमएलसी चुनाव है मयंक, एमएलसी के चुनाव से ही जुड़ा हुआ मुद्दा ये है क्योंकि जो वोटर वोट करने जाएगा वो इस मुद्दे पर भी वोट करेगा। और रही बात अगर एमएलसी चुनाव की जो आप पूछ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी बाकी की जो भी जनता वाला जहाँ चुनाव आता है वो भी बैलेट पेपर वाला, वहां तो कहीं मतलब सोचना ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी कहीं पीछे रहने वाली है, हम लोग जीतने जा रहे हैं और जो गुंडई से लोग 9 सीटें ले गए उनकी इनको बधाई, बाकी की 25 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। कफील खान एक हमारे प्रत्याशी हैं, कफील खान के साथ 6 घंटे में 6 बार उनकी गाड़ी चेक की जाती है और मिलता 54 कुछ नहीं है, मतलब एक 54 नहीं मिलती इन लोगों को, फिर भी प्रताड़ित करने के लिए क्योंकि वो मुस्लिम होती है, चुनाव आयोग के द्वारा सब चेक होती है, सब पुलिस करती है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी हो रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया गया भैया, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कहानी चेक किया गया, जो निर्दलीय लड़ रहा है उनको कहानी चेक किया गया, वो तो लोकतंत्र है, ऐसे थोड़ी होता है लोकतंत्र, अरे लोकतंत्र के सीरियल किलर है आपकी भाई, हम जीत रहे हैं तो आप लोग आप एक बात बताइए, आप जीतने चुनाव अभी वोट डला है 4 बजे, आप लोगों ने पहले से हार मान ली,
पहले से आरोप आरोप बढ़ने लग गए, जैसे पहले ईवीएम का आरोप बढ़ दिया था चुनाव वोट खुलने से पहले, अभी अभी भिंडी टमाटर और इन पे चले गए आप, कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है हम हार चुके हैं, जमाना जब्त हो रही है, आप कोई कोई जनता को बताने के लिए कोई कुछ तो आपके लिए चाहिए ना, चाहिए बोलने के लिए जी, तो बिल्कुल जिन सीटों पर वोट पड़ा है उनकी बधाई आप हमको दीजिए, क्योंकि वो सीटें हम जीतने बिल्कुल मयंक जी उन 9 सीटों की बधाई खत्म। मयंक जी समय की कमी होने के कारण हमें इस चर्चा को यही पर रोकना होगा। रही बात जो आपके तमाम मुद्दे महंगाई और सभी मुद्दे को लेकर के, उन सभी मुद्दों पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, एक अहम मुद्दा है, हम अभी के लिए इस चर्चा को यही रोक रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एमएलसी चुनाव संपन्न हो चुका है और रिजल्ट आने बाकी है, ऐसे में अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी के कितने जो विधान परिषद के सदस्य हैं चुने गए, साथ ही साथ जो मेन विपक्षी पार्टी है उसके भी तमाम दावे और वादे हैं, इन सभी के बीच अब रिजल्ट का इंतजार है। आज की हमारी चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।